देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में 32 साल तक कैसे बचते रहे दरिंदे, 100 लड़कियों से गैंगरेप, 6 ने तो अपनी जान दे दी, फोटो से कैसे शिकार को फंसाया जाता था, पुलिस की चूक या कहें तब की चालाकी कैसे दरिंदों को बचाती रही। नमस्कार, मैं ललित। पुलिस की एक चूक और 32 साल तक देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के दरिंदे बचते रहे। क्या था वो कांड जिस पर फिल्म तक बनी, क्या था वो कांड जिसने देश को हिलाकर रख दिया, आज सब कुछ जान लीजिए। ये वो दौर था 92 के आसपास का, जब फोटो लैब हुआ करते थे, स्टूडियो में फोटो खिंचाने का चलन था, ऐसी और वैसी फोटो यानी पूरे समाज की निगाहों में गिर जाना। उस दौर में अगर किसी की न्यूड फोटो मार्केट में आ जाए तो क्या होगा, ऐसे ही खुलासा हुआ देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का। किस्सा राजस्थान के अजमेर का, जहां करीब 32 साल पहले हुए सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को अदालत ने 20 अगस्त मंगलवार को उम्रकैद की सजा के साथ साथ 5-5 लाख का जुर्माना लगाया। इन रसूखदार दरिंदों के नाम जान लीजिए। 54 साल का नफीस चिश्ती, नसीम और फटारजन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गनी, सैयद जमीर हुसैन, इन्हें पूरी जिंदगी जेल में काटनी है। जब इन जल्लादों ने इस कांड को अंजाम दिया था तब इनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच थी। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप, उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से अपनी जान दे दी। तत्कालीन सरकार ने यह केस CIDCB को सौंपा था। मामले में 18 आरोपी थे, 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त कर चुका है, 1 ने 30 साल पहले केस के ट्रायल्स के दौरान सुसाइड कर लिया था। 2 आरोपियों पर लड़के से कुकर्म का केस भी चला, इनमें 1 सजा भुगत चुका है, 1 पर केस चल रहा है, 1 आरोपी फरार है, 6 पर फैसला आज आया है। इस ब्लैकमेल कांड पर एक फिल्म भी बनी। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी और 3 पीड़िताएं अपने बयान पर आखिर तक डटी रहीं। सल्यूट। कोर्ट ने 208 पेज का फैसला सुनाया। इन दरिंदों में इशरत अली, अनवर चिश्ती, मुइजुल्लाह पुत्तन इलाहाबादी, शमसुद्दीन उर्फ माराडोना, 2003 में इन्हें सजा हुई थी, ये सभी रिहा हो चुके हैं। इनकी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 साल का कर दिया था। परवेज अंसारी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, कैलाश सोनी, लोअर कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद सुनाई, हाई कोर्ट ने इन्हें दोष मुक्त कर दिया। 9वां आरोपी है फारूक चिश्ती, लोअर कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, 2013 में भुगती हुई सजा पर हाई कोर्ट ने इसे रिहा कर दिया। इस तरह 9 आरोपियों को तो पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। 1 को अपने किए पर इतनी शर्म आई, पुरुषोत्तम उर्फ बबली, इसने 1994 केस चलने के दौरान सुसाइड कर लिया। जहूर चिश्ती पर कुकर्म का केस चला, 97 में उसे रिहा कर दिया गया। मंगलवार को जिन 6 को सजा सुनाई गई है उसमें सोहेल गनी, नफीस चिश्ती, जमीर है, सलीम चिश्ती है, इकबाल भाटी, टारजन है। इस पूरे मामले का 1 आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है और रेड कॉर्नर नोटिस उसको लेकर जारी किया गया है। जिन्हें सजा सुनाई गई ये सालों से जेल में हैं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ था, कैसे निकला था ये दरअसल एक फोटो लैब से निकला। तब रील को लैब में डेवलप करवाया जाता था, नेगेटिव बनता था, फिर फोटो प्रिंट होती थी। आरोपियों ने रील डेवलप करने के लिए लैब में दी, न्यूड तस्वीरें देखकर लैब के कर्मचारियों की नीयत खराब हुई, उनके माध्यम से ही लड़कियों की ये फोटो बाजार में आ गई। मास्टर प्रिंट कुछ लोगों के पास था लेकिन इसकी जेरोक्स कॉपी सर्कुलेट होने लगी, ये फोटो जिसके भी हाथ में लगी उसने भी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके चलते कॉलेज की 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुंच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थीं जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। क्योंकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय गण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया, तो मैंने फिर एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कॉन्स्टेबल्स की टीम थी और जो ASI लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह एक साल में हमने कोरोना होते हुए भी कराए थे। साल 2003 तक केस के 7 आरोपी, नफीस चिश्ती जो तत्कालीन यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, अनवर चिश्ती ये यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर, अलमास और नसीम इस मामले में फरार चल रहे थे। 7 ने पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाया। आरोपियों को अच्छे से पता था कि हर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस नई चार्जशीट पेश करेगी, कोर्ट में अलग से ट्रायल चलेगा। इसमें ध्यान में रखते हुए नफीस, अनवर, इकबाल, सलीम इनने लंबे अंतराल के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। 2003 में नफीस और नसीम को इलाहाबाद और दिल्ली से पकड़ा गया। 2004 में दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, ट्रायल शुरू हुआ। 2005 तक 52 गवाहों के बयान भी हो गए, लेकिन तभी एक और आरोपी इकबाल को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद नफीस और नसीम का ट्रायल रोक दिया गया। यही वो चूक है दरअसल। इकबाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में एक और चार्जशीट पेश की गई। अब नफीस, नसीम, इकबाल,
के खिलाफ ट्रायल शुरू किया गया नए सिरे से। उन्हीं गवाहों को फिर से कोर्ट में बुलाया गया और इनके बयान पहले भी हो चुके थे। इस बार कोर्ट में 20 गवाहों के बयान हुए। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। 2012 में सलीम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जमीर अग्रिम जमानत मिलने के बाद विदेश से यहाँ आया था। 2001 में उसे बाकायदा अमेरिका की नागरिकता भी हासिल हो चुकी थी। फिर एक बार ट्रायल रोक दिया गया। जब कोई नई गिरफ्तारी होती ट्रायल रुक जाता। सलीम और जमीर के खिलाफ नई चार्जशीट पेश की गई और इसके बाद नफीस, नसीम, इकबाल, सलीम, जमीर इनके खिलाफ नए सिरे से ट्रायल हुआ। फिर गवाहों को कोर्ट में बुलाना पड़ा। इस बार 69 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिया। ट्रायल चला। 2018 में एक और जो आरोपी है सोहेल गनी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर ट्रायल रोकना पड़ा। इस मामले में एक और नई चार्जशीट पेश हुई। फिर से ट्रायल शुरू हुआ। आखिरकार 104 गवाहों के बयान के बाद 2024 के जुलाई महीने में इस पर आखिरी बहस हुई और 20 अगस्त को 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है कि इतना अच्छा निर्णय न्यायालय द्वारा आया है और सभी मुलजिम जो अभी विचाराधीन थे सबको दोषित घोषित किया गया है। इस तरह से कहें तो पुलिस की चूक या शायद चालाकी तब के दौर के हिसाब से इंसाफ की आस पर भारी पड़ी। इसी अजमेर कांड पर एक फिल्म बनी थी, हालांकि वो अलग अलग वजहों से उसकी रिलीज चलती रही। बाद में वो रिलीज भी हुई लेकिन कोई बहुत बड़ा कमाल वो नहीं दिखा पाई। अब इस सेक्स कांड पर फैसले के बाद शायद पीड़ितों को भी सुकून मिले, लेकिन दाद उन लड़कियों को देनी चाहिए, उनकी हिम्मत को दी जानी चाहिए जो इतने रसूखदार दरिंदों के आगे उन्होंने हार नहीं मानी। हर पल वो तोड़ी जाती रहीं। सिस्टम कैसे तोड़ता है, समाज कैसे तोड़ता है, हर बार उन्हें तोड़ा गया और वो और मजबूत होती गई। कहानी और ये पूरा किस्सा एक लड़के के साथ कुकर्म जिसे आप कहते हैं, अननेचुरल सेक्स जिसे आप कहते हैं, उससे ये मामला शुरू हुआ। उसकी फ़ोटो बनी, उस फोटो के ज़रिए फिर से उस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए प्रेशराइज किया गया। फिर इसी तरह जब एक लड़की आई तो उसे और अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए फोर्स किया गया, ब्लैकमेल किया गया। इसी तरीके से ये 100 लड़कियों तक पहुँचा। उस दौर में आलम यह था, एक बंगला भी बहुत चर्चाओं में रहा जहां हर बार रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता। एक बाहर एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती जो कॉलेज से लड़कियों को उठाकर उस बंगले तक या कहें उस फॉर्म हाउस तक लेकर जाती। इसी तरह से ये खेल चलता रहता। लेकिन लैब में फोटो डेवलप होने गई और वहाँ से जो जेरोक्स कॉपी निकली, रीप्रिंट जिसे आप कहते हैं, रीप्रिंट निकला और फिर इस मामले का खुलासा होता चला गया।